देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। चल तो रहा था मैं गुमशुदा सा, अब रास्ता मिल गया। इंतहा गा सकूं वो दिन जीना ही नहीं। हाथी दूरियां फिर तू भी चली गई, आके मुझे पुकार ले मेरी सांसें कम बची। आंसू ये मेरे बरसने लगे हैं। गलियां लाती हैं, उनसे गुजरना जो मैं जाऊं भी सही। सिसकती है सांसें मेरी जान जाती है। तुम्हें क्या लगता है वी ऑल प्ले विद टू मैन? हां, हमारी जो प्रॉब्लम है ना, आई डोंट केयर, आई हैड इनफ। देना भाभी, ऐसी भी क्या इम्पोर्टेंट बात थी? इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब, खैर छोड़ो। हाँ तो कोई बात नहीं, एनी हू सुबह तक वेट कर लेते ना, कितने ड्रामे के बाद तो सोए हैं रात को। बेनजीर, देना क्या ये बात सच है? ऑफ कोर्स फारू, ऑफ कोर्स ये बात सच है। इमी से ही पूछ लो। इमी, इमी। बेनू, आई एम रियली सॉरी ये सब सुबह सुबह करना पड़ा, लेकिन क्या है ना, सिर्फ दो तीन दिन बचे हैं निकाह के लिए। हाँ, एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग, दिस इज सच अ बिग मोमेंट फॉर अस दैट आई डिडंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम ना। एंड ऑफ कोर्स आई नो कि आप लोगों के फैमिलीज के बीच में अब टेंशन है, और कुछ घंटों पहले जो हुआ था दैट वाज़न्ट रियली नाइस, बट टेंशन तो बच्चों के बीच में है ना। वी आर ऑल अ फैमिली हियर एंड इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, है ना सूफी? कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट, द होल फैमिली इज हियर। अभी गुस्सा थूक दो एंड कम एंड कंग्रेचुलेट योर इम्मी। दो तीन दिन देना भाभी, ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं हो रही? नहीं बिल्कुल नहीं, आई मीन आई नो वक्त कम है, लेकिन व्हाट वी कैन डू इज हम सोच रहे हैं कि काजी से निकाह पढ़वा देंगे, एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर कायनात फैमिली आल्सो वांट्स यू नो समथिंग वेरी स्मॉल, सो इट्स ओके। बीबी मेरी बात सुनो, बीबी बीबी मेरी बात सुनो। अरे बीबी मेरी बात तो सुनो बीबी, बहुत बड़ा मसला हो गया है बीबी। आपने मेरी शादी तो तोड़ दी उस परिवार के साथ, बट वो फैमिली हमारा पीछे नहीं छोड़ दी यार। बीबी कायनात और इम्तियाज की शादी हो रही है एंड एवरीवन इज रेडी फॉर इट। तू ये क्या बकवास कर रहा है? देख ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कायनात डजंट लव हिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीबी आप समझ नहीं रहे हो, कायनात ने ही इम्तियाज भाई को प्रपोज किया फॉर द वेडिंग, एंड उसने अपनी असलियत दोबारा दिखा दी है यार। शी इज डूइंग इट ऑल ओवर अगेन। पहले कायनात ने आपको फंसाने की कोशिश करी, व्हेन शी डिड नॉट सक्सीड उसने इम्तियाज भाई के साथ कनेक्शन बनाया। आपने देखा ना कि फलक ने क्या किया? फलक भी वही फलक ने किया, वो गलत था। She was two timing, इसलिए मैं तेरे साथ था, लेकिन कायनात ऐसा नहीं कर सकती। I'm sure there's some misunderstanding. बीबी, 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 मेरी बात तो सुनो। अरे बीबी मेरी बात सुनो बीबी, बीबी, बीबी आप क्यों नहीं समझते यार? कोई misunderstanding नहीं है, कायनात ये गेम खेल रही है। आप उस पर क्यों इतना भरोसा करते हो यार? She is getting married. उसने पहले भी इम्तियाज भाई के साथ हाँ करी थी, और वो अभी भी हाँ कर रही है शादी करने के लिए। बीबी आप कब ये बात समझोगे यार? बीबी कायनात एक गेम खेल रही है, ये गेम आपके साथ भी खेल रही है, हमारे साथ भी खेल रही है बीबी। They're moving on. They're getting married, baby. Please try to understand. Beta, are you sure? Kainat se, kyunki pichli baar bhi, you know. Abu, main aapki baat puri tarike se samajh raha hu. Lekin shaadi ke baad Kainat ne samne se ki aur maine shaadi ke liye haan kar di.
मैंने सोचा घर आते सबको बता दूंगा, लेकिन मम्मी ने सबको पहले से बता दिया। नो नो नो, नथिंग डूइंग। मैंने ऑलरेडी मैसेजेस भेजे, आई होप यू सेंट द मैसेजेस राइट, ताकि कल सुबह सब लोग उठ जाए और उन्हें ये खुशखबरी मिल जाए कि निकाह हो रही है यहाँ पर। आफ्टर ऑल मेरे इम्मी की शादी है टू द बेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, कायनात सानी। बस 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 मदर इंडिया, अब उसे अपने कमरे में भी जाने दो, भीग गया है बेचारा पूरा। गुड बॉय आते ना कहीं और, सब झूठ बोलते हैं यहाँ पर। कोई झूठ नहीं बोल रहा है। हाँ मैं जानता हूँ कि पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक कंफ्यूजन था, लेकिन जिस तरह तूने कायनात के परिवार वालों के साथ बिहेव किया उसके बाद वो सामने से आई आस्किंग मी टू मैरी हर। तू जानता था ना मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझसे प्यार करती है, तू बीच में कहाँ से आ गया? हाँ कहाँ से आया? You knew that. I'll get her back. And why? Of course, absolutely right. You could have got her back. She loved you so much. तेरे से इतना प्यार करती है वो। लेकिन तूने क्या किया? सब कुछ बर्बाद कर दिया। कायनात पर भरोसा करने के बजाय यू एंड अप ट्रस्टिंग दीस गाइस हु फकिंग स्लीप विद विमेन एवरी डे एंड हैव अफेयर्स एवरी डे। खुदा के लिए मी, डोंट बी स्ट्रेचिंग राहिल इनटू ऑल दिस। राहिल की कोई गलती नहीं है चाची। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि फलक को आपके बेटे ने प्रेग्नेंट किया या मेरे भाई ने, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि एंगेजमेंट की रात कायनात की अम्मी की तबीयत खराब थी, इसने क्या किया? वहाँ एक तमाशा क्रिएट किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की इसने, क्योंकि इसे लगा वो सब करना जायज है। सूफी, एक बार फिर से हाथ उठा के देखो, उठा के देखो, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। ब्रेक अ फकिंग फेस। छोड़ो यार अभी, स्टॉप। बहुत हो गया इसका तमाशा। आज तक इसे मैंने जो कुछ कहा है, जो भी इसने किया है, मैंने एक शब्द नहीं कहा इससे। I didn't say a word to him. इसको जो करना था करने दिया, एक लफ्ज नहीं बोला मैंने इसे। तेरी बेबाकी, तेरा पागलपन, सब कुछ हैंडल किया मैंने सूफी, सब कुछ हैंडल किया। Because I knew inside you there's a volcano of love, एक ज्वालामुखी है प्यार का। जो तेरे ये इश्यूज, ये whatever you went through as child, सब चीजों ने उसे दबा के रखा है। I know what you've been through. Fuck. What? Fuck. तू जानता है मैं बहुत खुश होता अगर तू और कायनात एक साथ होते, शादी कर लेते। I would have been the happiest fucking man on this planet, even though it would have killed me. मैं बहुत खुश होता तेरे लिए। But you know one thing, buddy. वो चाहे मेरे साथ रहे या किसी और के साथ, but she will never fucking be happy with you. सब कभी खुश नहीं रही हो। और याद रखो सोनिया, मैं कायनात से शादी करने वाला हूँ। कायनात से शादी करके रहूंगा, करके रहूंगा, बीच में आके देख तू, आके देख बीच में। बस हो गया तुम बोलो तो क्या? Fuck you, Dubai. Let's see what the fuck you do about it. राहिल और फलक एक दूसरे पे यकीन करते हैं, तो जब दो लोगों में यकीन होता है तो ईगो बीच में नहीं आती। जुदाइयां वाला रब्बा खैर करी, विला बिना
समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे हैं। सूफी उस लड़की से प्यार करता है और हम सब जानते हैं उसकी आदत को, जिद्दी हो जाता है हर चीज को लेकर। बस एक बार निकाह हो जाए, एवरीथिंग विल बी फाइन। फरू, एक वादा करो कि जो भी हो रहा है ना, इसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। शायद मिठाई तो देना। वाओ, आपके बेटे का रिश्ता पक्का हो गया तो आप अपना कीटो डाइट सैक्रिफाइस करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, एक रिश्ता टूट गया है उसकी वजह से। दिस इज अ ब्रेकअप सेलिब्रेशन। कहना से शादी तो कर रहा हूं, आशिकी में तेरी, लेकिन मेरा दोस्त, बदलने मेरा भाई, पास थे जो मेरे, नफरत करता है, अब दूर होने लगे। Fucking hates me. है तुमको उस He hates me. He fucking अपने भी मुझको गैर लगने लगे। साथ है मेरे, साथ नहीं। धड़कता है दिल पर अब वो बात नहीं। मैं कमले बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया। सो मिसेस अब्दुल्ला, वैसे तो मैं शादी में बिलीव करता नहीं, बट दिस वन इज फॉर यू। जब तुम मिसेस अब्दुल्ला बन के आओगी इस घर पे, तब यही पहनोगी। आपको क्या स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? क्यों? ऑफिस में तो आप बड़े अमरीश पूरी बने रहते हैं और यहाँ पे अच्छा, बट ये तो जब मैं मिसेस अब्दुल्ला बनूंगी तब ये पहनूंगी, उससे पहले हम भाग तो नहीं जाओगे अगर इम्तियाज को मोटी पार्टी मिल गई। इस ड्रेस को देख रहे हो?
तुम इस ड्रेस के साथ क्या कर रही हो? Don't you fucking dare wear this, okay? तुम्हें याद है ये ड्रेस देते वक्त तुमने मुझसे कितने प्रॉमिसेस किए थे, पर तुम निभा नहीं सके। I guess we both fucked it up. और वैसे भी तुमसे कुछ भी लेना ना बहुत महंगा पड़ जाता है। मुझको खुदा मिल गया, जल तो